वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लिक्शनरी। मैं स्निग्धा, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। 2 अक्टूबर को ही 2 मूवी आई थी। जो मूवी मुझे देखना था, एक था साइलेंस और निशब्दम, जिसका वीडियो मैंने कल डाल दिया है उसका रिव्यू, और आज मैं कर रही हूँ बहुत हुआ सम्मान मूवी का रिव्यू। ये मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत दिन बाद हिंदी में मैंने ऐसी कोई कॉमेडी, सस्पेंस एंड थ्रिलर मूवी देखी। चलिए पहले बात करते हैं इस मूवी का लीड एक्टर के ऊपर। इस मूवी में कोई खास लीड एक्ट्रेस नहीं है, फिर भी जो है मैं बाद में बताऊंगी उसके बारे में। तो लीड एक्टर जो है वो है संजय मिश्रा, राघव जुवाल एंड अभिषेक चौहान। संजय मिश्रा जो एक्टिंग कर रहे हैं उनका नाम है बकचोद बाबा, एंड राघव जुवाल जो इस मूवी का लीड एक्टर है वो कर रहा है बॉनी का एक्टिंग, एंड उसका दोस्त की एक्टिंग कर रहा है आशीष चौहान। एंड इन सपोर्टिंग एक्टर में आप देखेंगे राम कपूर को, जो कि लवली सिंह का एक्टिंग कर रहे हैं, निधि सिंह जो कि बॉबी तिवारी का एक्टिंग कर रहे हैं, एंड नमित दास जो कि रजत तिवारी का एक्टिंग कर रहे हैं। प्लॉट शुरू था एक चोरी से जो कि बॉनी और फंडू करते हैं, और फिर वो लोग जाते हैं एक लोकल गुंड के पास जो कि ये सब चोरी का सामान लेते हैं और उसे कुछ बदले में कुछ पैसे इन लोग को देते हैं। फिर ये दोनों जाते हैं अपने कॉलेज जहाँ पे ये लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों का हालत ऐसा होता है कि उन लोग को कोई कैंपसिंग में जॉब नहीं मिलेगा एंड उन लोग का परसेंटेज इतना कम रहता है, तो इन लोग को टेंशन होता है कि फिर आगे जाके करना क्या है। ऐसे सिचुएशन में उन लोग को मिलता है बकचोद बाबा, जो कि वहाँ पे कॉलेज के अराउंड वो घूमते रहते हैं, जो कि एक्चुअली दिखाया गया है कि वो एक क्रांतिकारी है और वो मतलब कुछ और ही प्लान कर रहे होते हैं। तो वो उससे मिलने के बाद इन दोनों के पास एक प्लान आता है जो कि एक्चुअली बकचोद बाबा का ही होता है, कि कॉलेज के कैंपस में जो बैंक है उसे लूटने का और उसमें जितना भी पैसा है वो सब लेके भाग जाने का। लेकिन ये सब एग्जीक्यूट करवाने के लिए इन लोग को हेल्प की ज़रूरत पड़ता है। तो ये दो जो लड़का है वो जाता है लोकल गुंड के पास, जिसके पास वो अपना चोरी का सामान सप्लाई करता था, तो उसके पास से जाके दो सैंड माफिया के बारे पता चलता है जो इन लोग को हेल्प कर रहा होता है। लेकिन एक्चुअली में वो हेल्प करने की जगह इन लोगों से वो पैसा खुद लूट के चला जाता है और इन लोग को फंसा देता है, और ये दोनों पकड़ा जाते हैं पुलिस के द्वारा, और फिर इन दोनों को जेल हो जाती है। तो जेल में इनसे मुलाकात होती है बॉबी तिवारी, मतलब निधि सिंह जो एक्ट कर रही है, वो वहाँ की पुलिस रहती है, वो पूछती है। तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली इन लोगों का काम नहीं है, काम है राजा एंड भोलू का, मतलब जो सैंड माफिया के बारे में मैंने अभी बताई आप लोगों को, उन लोगों का। कहानी में अगला टर्न तब आता है जब पता चलता है कि राजा भोलू जो है, जो सैंड माफिया दो है, वो लोग भी एक और सैंड माफिया के वजह से फंसे हुए हैं और उसको पैसा रिटर्न करना होता है। और उनके ज़िंदगी में एक और दोनों के ही ज़िंदगी में एक लड़की है जिसको साथ उन लोगों को घर बसाना है। तो ये सब लेके अगला टर्न शुरू होता है, लेकिन ये पैसा चला जाता है राजा भोलू के पास। फिर अगला ट्विस्ट तब आता है जब राजा भोलू को जो सैंड माफिया उनके पीछे पड़े थे वो अटैक करते हैं, और उसके चलते वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, और जो पैसा होता है वो लड़की जो इन दोनों का ही गर्लफ्रेंड है वो लेके भाग जाती है। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद भी इस मूवी का टर्न्स ख़त्म नहीं होते, मतलब थ्रिल ये बिल्कुल बरकरार रखता है और कहीं पे भी बीच में छूटता नहीं है। तो अगला टर्न ये आता है कि इस मूवी में एक पॉलिटिशियन है जो कि फंडेड है एक आश्रम के बाबा से, जो कि अपना ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट पे लॉन्च कर रहे होते हैं, जिसको मतलब गॉड लेवल का कोई पोजीशन मिला हुआ रहता है इस समाज में, सोसाइटी में। तो वो बाबा का एक्चुअल जो प्रॉपर्टी बैंक से चोरी हुआ था, वो सारे प्रॉपर्टी इस बाबा का रहता है, और इस बाबा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक कोहिनूर नाम का कोई एक चीज़ जो बैंक में रहता है। और ये सारा जो खेल है वो एक प्रिंसिपल, मतलब कॉलेज का जो प्रिंसिपल है एंड ये पॉलिटिशियन एंड ये बाबा खेल रहे होते हैं। तो ये सारा जो गेम है ये सब सॉल्व करने के लिए पॉलिटिशियन हायर करता है एक लवली सिंह नाम का इंसान को, जो कि एक्ट कर रहे हैं राम कपूर इस मूवी में। तो वो एक एक्चुअली हिटमैन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब करते हुए पता चलता है कि कोहिनूर कोई भी हीरा या फिर कोई भी बहुत सारा कीमती सामान नहीं, ये बस एक डायरी है जिसमें कि जितना भी क्राइम जो बाबा का है वो नोट रहता है। और प्रिंसिपल को पकड़ने के बाद पुलिस को पता चलता है कि बाबा एक्चुअली आयुर्वेदिक सामान की जगह में एक ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं, उनका जितना भी प्रोडक्ट्स है उन सब में ये ड्रग मिलाया जा रहा है, और इसके चलते इंसान को हिप्नोटाइज किया जा रहा है उनके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए। तो ये इतनी सारी थ्रिल्स एंड इतने सारे टर्न्स, उसके साथ साथ कॉमेडी भर भर के डाला गया है इस मूवी में। संजय मिश्रा की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे एज यूजुअल वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते भी हैं, एंड इसके साथ
साथ राघव जुवल, अभिषेक चौहान जितने भी एक्टर हैं इस मूवी में, सबने अच्छा एक्टिंग किया है, सबने अपना 100% दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी, बहुत दिन बाद मैंने ऐसे कोई हिंदी मूवी देखी। खासकर आप लोग को मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये मूवी ज़रूर देखें, और ये मूवी हॉटस्टार स्पेशल है, तो हॉटस्टार में आप लॉग इन करके ये मूवी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, बस आपको लॉग इन करना पड़ेगा। टेंशन की कोई बात नहीं, मैं लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करके आप लोग देखिए और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मूवी आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो फिर मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना। सब्सक्राइब बटन को हिट करते वक्त बगल में जो बेल बटन आता है तो उसको भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप तुरंत देख सकें। टिल देन चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।